हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन दिस वीडियो आई हेलो कैसे हो आप लोग तो यार स्वागत है इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में सो फाइनली गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस चैनल पे मैं डाल रहा हूँ एक संडे स्पेशल वीडियो एंड आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है विद 81 लेवल प्लस गोल्डन इलिट ऑफ सीजन टू एंड ओवरऑल कलेक्शन भी साइडी का बहुत ही ज्यादा हार्ड बने वाला है तो आई एम मॉडर्न द फुल कलेक्शन वीडियो ऑफ दिस आईडी इन दिस वीडियो एंड तक बने रहना है आप लोग को एंड इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ दो रिडीम कोड ठीक है अनयूज दो प्ले स्टोर के रिडीम कोड्स देने वाला हूं बिकॉज दिस इज द संडे स्पेशल आई एंड अ संडे स्पेशल वीडियो तो एंड तक आप लोग को बने रहना है जितने भी लोग यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना इस वीडियो का लाइक एम है थ्री के लाइक्स प्लीज आप लोग कर देना एंड जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है इस चैनल पे वैसे भी मैं बहुत कम वीडियोस डालता हूं तो प्लीज यार डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो तो चलो देखना स्टार्ट करते इस रेयर सी का का सारा का, सारा कलेक्शन सबसे पहले देखेंगे इस आई का हम लोग प्रोफाइल विद 81 लेवल आप लोग यहाँ पे देखो यार 81 लेवल विद फोर के प्लस लाइक्स लाइक्स लेवल भाई इतने अच्छे से मेंटेन करे हुए हैं 81 लेवल इज बहुत ज्यादा यार इनफ होता है मतलब बहुत ओपी है देखो एंड बात करें बैज एल्बम की तो रिसेंट के जितने भी भुया पासिस वो ले रखे हैं ये वाला आप लोग ले लोगे जो भी साइडी को लेगा बाकी इसकी मैक्सिमम डिटेल्स आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे मैं अभी थोड़ी देर में आपको इंस्टाग्राम भी दिखा देता हूँ बाकी ओवरऑल कलेक्शन इस आईडी का बहुत ही ज्यादा हार्ड है यार एटी लेवल सिक्स प्लस टी शर्ट्स गोल्डन इल्यूट ऑफ सीजन टू भाई मतलब इतनी सारी चीजें बताने के लिए मैं दिखाऊंगा यार साथ में तो एंड तक बने रहो एंड जो भी रिडीम कोड को रिडीम करेगा जो इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ दो रिडीम कोड अनयूज वो मेरे को मेंशन जरूर से करना मेरे माई टी डील्स पर तो चलो गाइज ये है ओवरऑली साइडी का प्रोफाइल बैच एल्बम भी मैंने आपको दिखा दिया एंड ये रहा मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम आप लोग यहां पे ध्यान से यूजर नेम को देख लो बहुत सारे लोग हैं यार फेक अकाउंट्स बना के बैठे हुए हैं स्कैम करने के लिए लोगों का आप लोगों ने उनसे सेफ रहना है भाई वो लोग करते हैं स्कैम हेट मिलता है मेरे को इनडायरेक्टली यहाँ पे भाई प्लीज आप लोग सेफ रहो ठीक है ओरिजिनल डीएम ओरिजिनल इंस्टाग्राम पे ही डीएम किया करो यूजर नेम देखा करो ना कि फॉलोअर्स ना ही फॉलोइंग ना, ना ही पोस्ट ओनली द यूजर नेम मैटर्स ओके तो ये है ओरिजिनल यूजर नेम फिलहाल हम लिखने वाले इस आईडी की बायो में अंडर मॉडर्न वाईटी बिकॉज आईडी का सारा का सारा लॉगिन एक्सेस मेरे पास है फुल सिक्योर्ड आईडी है ये एंड बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला इस ID का अभी कलेक्शन देखने हैं तो सीधा चलते हैं हम लोग इस साइडी के वोट में एंड देखते हैं इस ID का कलेक्शन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली सिक्स प्लस टी शर्ट से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो, इतने सारे रेयर टी शर्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेयर से ठीक है लास्ट जो बहुत पुरानी वाली वाइब्स आती थी, थी ना वीडियोस में जब मेरा मेन चैनल नहीं रहा इस वीडियो में मैं ये चीज़ भी डिस्कस करूंगा कि भाई मेन चैनल मतलब क्यों मेरा मतलब सस्पेंड हो गया या फिर डिएक्टिवेट हो गया जो भी बोलते हैं यार डिलीट हो गया यूट्यूब से ठीक है ये चीज भी यार कई लोग इस चीज को लेके पोक भी करते हैं भाई मॉडर्न वाइटी तेरा चैनल उड़ गया भाई तू स्कैमर है ये चीजें भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा यार कुछ लोगों की जो चुल्ल होती है ना वो लोग बार बार पोक करते हैं उनको मैं इस वीडियो में जवाब भी देने वाला हूँ तो वीडियो बड़ी होने वाली है एक्साइटेड होने वाली है मजा आने वाला वीडियो में वीडियो के एंड तक बने रहना तो चलो भाई सबसे पहले कलेक्शन देखना स्टार्ट करते हैं साथ में उस टॉपिक पे भी बात करूंगा तो चलो भाई सबसे पहले हेयर्स की बात कर तो यहाँ पे है फैंटम वाले हेयर जो कि है बहुत ही ज्यादा पसंद मेरे को बहुत लोगों के पास ये अभी भी हेयर नहीं है

बट भाई यही है ठीक है सबसे बेस्ट है भाई वाले जो बंडल है हिप हॉप बंडल गोल्डन इलीट ऑफ सीजन टू मैं इसे बोलूंगा गोल्डन सीजन टू भी बोल सकते हो गोल्डन हिप हॉप भी बोल सकते हो कई सारे नेम्स है डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में बोलते हैं बाकी यहाँ पे एक और रेयर इलीट पास है जो कि अभी तक रिटर्न नहीं आया हुआ है सीजन सेवन का बीटू वाला इसको मैं बीटू के ही बोलता हूं स्टार्टिंग से यार अगर मेरी वीडियो आप लास्ट थ्री ईयर से देख रहे हो तो इसको मैं बीटू के बंडल ही बोलता हूँ बिकॉज ये वैसे ही लगता है वही डालता है एंड उसी से ये ज्यादा पॉपुलर हो गया था बंडल सीजन सेवन का इलीट पास है ये बहुत

एंड बहुत ओपी भाई बहुत ओपी माहौल था उस टाइम का बट अभी उतना क्रेज नहीं रहता चलो गाइस आगे बढ़ते हैं यार कलेक्शन में ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा मैं एक ये अपना ड्रीमी क्लब वाला बंडल जो कि आया था एक वेब इवेंट में एंड ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया बंडल है इसका हेयर बहुत बढ़िया है बाकी ये शायद से रिटर्न आ चुका है आई थिंक आया हुआ है पता नहीं याद नहीं है ध्यान से बट शायद आ रखा है एंड यहाँ पर बाकी बंडल्स की बात करें रेयर हेयर्स की बात करें तो कई सारे यहाँ पे इवेंट के बंडल्स यहाँ पे द डिसिप्लिन बंडल है एफ का ये भी बहुत ही पॉपुलर बंडल है ये आया था अपने फेडेड व्हील में बहुत टाइम पहले आई थिंक फेडेड व्हील का ही बंडल है ये यहाँ पे व्हाइट चुटिया भी है शॉल एंड और भी कई सारे रेयर रेयर बंडल है टेंडी डाइवर हो गया एंड कई सारे बढ़िया बढ़िया बंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे लोकेश गेमर वाला बंडल भाई ये रिटर्न आ चुका है लोकेश गेमर ने इसको ज़्यादा फेमस करा था एंड यहाँ पे ये वाला बंडल अपना है स्कल कैप्टन इसको अज्जू भाई ने फेमस करा था ठीक है कैप्टन्स वाला एंड और भी कई सारे यहाँ पे रेयर हेयर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे कई सारे ऐसे बंडल्स हैं जो कि रिसेंट इवेंट्स में आए हैं या फिर किसी न किसी इवेंट्स में मिले हुए हैं मैं बहुत टाइम से सच बता रहा हूँ इतना ज़्यादा गेम में नहीं हूँ इसीलिए मतलब बहुत कम गेम प्ले करता हूँ मैं इवेंट्स भी कम देखता हूँ मेरे को अभी रीसेंट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट पुराने बंडल्स की मेरे को अच्छे से नॉलेज वगैरह है तो मैं आपको बताऊंगा जैसे कि ये वाला बंडल भी आया था अपने एक इवेंट में व्या इवेंट में जिसमें पाँच बंडल्स आए थे तो उसमें से एक ये भी पार्ट था एंड ये भी उसी का पार्ट था आई थिंक ये जो इसकी जीन्स मेरे को बहुत ओपी लगती है एंड यहाँ पे और भी कई सारे रेयर रेयर बंडल्स हैं यहाँ पे स्ट्रीट ठग भी है गाइस देख सकते हो आप लोग स्ट्रीट ठग यार वन ऑफ द रेयरेस्ट बंडल ऑफ फ्री फायर इन इंडियन सर्वर स्पेशली मैक्सिमम प्लेयर इसकी पैंट पसंद करते हैं डालना एंड ओवरऑल बंडल ये बहुत ओपियर है बट इसकी पैंट ज्यादा पॉपुलर है ठीक है एंड यहाँ पे और भी कई सारे ये वाला भी बंडल है भाई ये आ, इसको क्या बोलूंगा मैं हिंदी में ही बोल देता तो हूँ भाई पेड़ पौधे वाला बंडल ठीक है इसका नाम बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट है प्रनउंसिएशन uh, इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट है बर्ड गैरियर जो भी है भाई ये बढ़िया सा बंडल है लेकिन एंड एक ये भी अपना विंटर एल्फ ये भी एक टाइम पे रह था बट अब तो इसको कोई पूछता नहीं है बाकी ये है ओवरऑल जो भी था अभी और फुल बंडल्स की बात करें फुल बंडल्स नहीं मतलब जो भी इलीट पासिस वगैरह उन सब की बात करें तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ रेयरेस्ट रेयरेस्ट इलीट पासिस जो की रिटर्न भी आ चुके हैं कुछ चीजें रिटर्न नहीं भी आई हुई है सारी चीजें देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखेंगे हम जोकर, जो कर जो कि भाई इसकी वैल्यू नहीं है अभी एक, एक परसेंट भी वैल्यू नहीं है बट एक टाइम पे जब भाई टी एस जी की स्क्वाइड टू साइड गेमर्स की स्क्वाइड इसको लाइव स्ट्रीम पे खेलती थी बिकॉज यार अब वो क्रेज नहीं रहा ठीक है मैं कई सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखता था पहले ज्ञान भाई की लाइव स्ट्रीम एक घंटों घंटों तक देखता था मैं अज्जू भाई की लाइव स्ट्रीम जब रैंक पुश करते थे यार सीजन पे सभी लोग रैंक पुश करते थे एर ओ एर आई बी भाई बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं मेरे विन्जेट गेमिंग एंड मैं सबको भाई अपना फेवरेट मानता हूँ बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं बहुत लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है यहाँ पे एंड भाई अब वो क्रेज नहीं है ये वाला बंडल आप लोगों को याद होगा टी एस जी जस्ट ऋतिक लेजेंड जो भी जितने भी टी एस जी की स्क्वाड है आई वॉज ऑल्सो इन टी एस जी बहुत टाइम पहले मैं भी टी एस जी में था एंड भाई ये वाला बंडल डाल के वो लोग खेलते थे लाइव स्ट्रीम पे भाई ये रिटर्न आ गया था एक बार मैजिक क्यू में उसके बाद यार वैल्यू इसकी ऐसी ऐसी घटी ना क्या होता हूँ ये बहुत ओपी बंडल है भाई अपना ये जोकर वाला बहुत ओपी बंडल है ये इसके ऊपर तो बड़ी सी टिप नहीं दे सकता हूँ मैं यहाँ पे आलोक वाला बंडल आप लोगों को याद है यार जब आलोक कैरेक्टर रिटर्न आया था रिटर्न नहीं सॉरी फर्स्ट टाइम आया था रिटर्न नहीं रिटर्न नहीं भाई इतना क्रेज़ आलोक दे दो आलोक दे दो आलोक दे दो आलोक दे दो भाई हद सभी स्ट्रीम में अज्जू भाई के स्ट्रीम में यहाँ पे देसी भाई देसी गेमर की स्ट्रीम में एंड जितने भी यूट्यूबर्स है भाई आलोक दे दो तो मैंने भी कम से कम दस बारह आलोक उससे भी ज़्यादा ही मैंने घीमा में दिए हुए हैं स्ट्रीम में या फिर कहीं किसी ना किसी वे में ठीक है बट यार अब तो वो भी नहीं होता क्या बोले हो वो दिन याद आते हैं ना भाई आई एम सो इमोशनल ठीक है ये वीडियो एंड तक देखना आप लोग आपको बहुत सारी चीज़ें मैं याद दिलाऊंगा ठीक है एंड तक देखो एंड एक ग्रिफिन वाला बंडल ये भी बहुत ओपी है एंड ये भी आई थिंक एक दो बार रिटर्न आ ही चुका है इसकी इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है वैल्यू uh, है बट यार ये बहुत हैवी टाइप का बंडल है तो इसको डाल के आप लोग खेलोगे तो मतलब आपको पता है कितना हार्ड गेम प्ले हो जाएगा एंड यहाँ पे है अपना एक अशीशियन स्काफ भाई मेरे को अभी भी याद है अशीशियन स्काफ के ऊपर मैंने वीडियो डाली थी मेरी जो एक वीडियो थी वन मिलियन प्लस व्यूज़ गए थे भाई मेरा फेवरेट स्काफ था ये मेरे पास जब था मेरी जो फ़र्स्ट आईडी थी ब्लू क्रिमिनल था उसमें एंड एशियन स्काफ था उसमें सीजन फोर एलिट पास का ये वाला जो कि अब इसकी वैल्यू है अभी भी मतलब उतनी ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं बट यार दोज डेज यार रियली मतलब सो इमोशनल हो जाते हैं यार हम लोग सारे मैं तो बहुत ज़्यादा मैं अपनी पुरानी स्टोरी और चीज़ देखता हूँ भाई मतलब उस टाइम गेम खेलते थे यार दोस्त मैंशन करते थे ये होता था वो बक्चौती होती, होती थी बहुत सारी चीज़ें होती थी यार बट अब वो वाला क्रेज नहीं रहा फ्री फायर इज़ गॉन यार बहुत मतलब फिर भी हम लोग अभी लेके चल रहे हैं जितना चल रहा है ठीक है तो ये एशियन स्कार फिर अपना बहुत ही ज़्यादा रेयर एंड ये अपना सकूरा बंडल भाई सकूरा बंडल मतलब भाई हिप हॉप से भी ज़्यादा खौफ है इस बंडल का उस टाइम पे अब तो नहीं है इतना खौफ था भाई सकूरा आया भाई पूरे लॉबी में एक साथ उसके सामने खड़े हो जाना इमोट दिखाना उसको मार के इमोट दिखाना या फिर उससे टीमिंग करना ये सारी चीज़ें हमारी हैबिट्स थी बड़ा प्यार इतनी वैल्यू नहीं मिलती नए प्लेयर्स को नहीं पता भाई पुराने प्लेयर्स का मतलब क्या सीन था यार कैसे खेलते थे हम लोग मेरी भी जो स्क्वाड थी वो भी बिखर चुकी है बिल्कुल मेरे सभी स्क्वाड मेम्बर्स का मेरे को नाम याद है रियाज भाई हो गए शारिक भाई हो गए सुरेंद्र हो गया ए के भाई हो गए अपने गुजरात से एंड एक और था अपना भाई शारिक भाई तो शादी हो गई उनकी भाई मेरी जो स्क्वाड थी ठीक है और कौन था यार मेरी स्क्वाड के पूरे स्क्वाड का मेरे को नाम याद है अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो सॉरी यार बहुत सारी जो मतलब मेरी परमानेंट स्क्वाड थी यार ठीक है मैं हम लोग हम लोग चार पाँच लोग थे एक मिस होता था एक ऑफलाइन होता तो हम चार खेलते थे मतलब पाँच लोग थे टोटल ठीक है मैं स्पेशली सबसे ज़्यादा क्लोज अपना रियाज भाई था ठीक है अब वो मेरी आईडी से खेलता है अभी वो भी बहुत कम खेलता है क्योंकि यार अब वो मन नहीं करता यार गेम खेलने का मैं तो ना के बराबर ही खेलता हूँ मैं बस कस्टम रूम्स बना देता हूँ आप लोगों को पता होगा इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह डाल देता हूँ तो आप लोग देखते होंगे बाकी चलो गए आगे देखते हैं यार बहुत बड़ी वीडियो हो रही है मेरे को पता है कोई नहीं यार मेरी दिल की बातें भी है मैं जो मैंने कहनी हुई है कहनी थी वो कह रहा हूँ मैं इस वीडियो में ठीक है बाकी पुरानी चीज़ें यहाँ पे सीजन नाइन का इलीट पास भाई पुशअप इमोट थैंक गॉड ये रिटर्न नहीं आया अभी तक पुशअप इमोट अभी तक रिटर्न नहीं आया भाई दिस इज ऑल्सो अ रेयर आइटम है बहुत ओपी है भाई ये वाला ठीक है सीजन नाइन का बहुत ही ज़्यादा ओपी है एंड यहाँ पे है गोल्डन इलीट ऑफ सीजन फोर इतना अच्छा नहीं है सच बताऊँ तो पुराना ही ठीक था भाई जैसा भी था ये गोल्डन एलिट ऑफ सीजन फोर है बट ठीक है जो भी है कलेक्शन के लिए बहुत बढ़िया है एंड यहाँ पे और भी कई सारे फे, फेस मास्क वाले बंडल्स वगैरह यहाँ पे देख सकते तो ये सब बंडल्स पंपकीन नाइट वाले सब कलेक्शन वर्सेस के लिए बहुत ओपी है आज के टाइम पे तो यार कलेक्शन वर्सेस भी बहुत कम लोग करते हैं एंड वन ऑफ द रेयरेस्ट बंडल मेरा फेवरेट है ये एक तरीके से ये जो गोल्डन सामूरा है ठीक है इसको बोलते हैं गोल्डन सामूरा बोलते हैं इसको बहुत ओपी है भाई इसका फेस मास्क बाकी यहाँ पे ये भी है डॉक्टर प्लग वाला बंडल प्लग डॉक्टर वाला एंड ये मास्क भी है एंजेलिक एंजिलिकैंडी वाला बाकी और भी कई सारे फेस मास्क वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे रेयर रेयर बहुत ज्यादा रेयर रेयर दाढ़ी हो गए ओल्ड मैन वाला ये वाले गूगल्स हो गए ये सब पुरानी आइटम्स है यार ये सब रिटर्न आ चुके हैं कई बार अब तो ऐसे स्टोर में मिल जाते हैं बाकी अभी फुल टी शर्ट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया सिक्स फोर सिक्स टी शर्ट्स है इस साइडी में जो भी रेयर या नए नए टी शर्ट्स हैं भाई ये देखो ये हैवकिंग वाला बहुत ओपी गोल्डन इलीट ऑफ सीजन टू ऑलरेडी मैंने दिखा दिया एंड यहाँ पे हिप हॉप भी है पुराना हिप हॉप अपना पुराना सकूरा एंड ये रैंक सीजन की टी शर्ट्स अभी तक रिटर्न नहीं आई आई थिंक ये रिटर्न ना दे देना भाई फ्री फायर वालों प्लीज चलो अच्छा है कुछ ना कुछ रिटर्न तो नहीं आएगा ना जैसे कि ये रिटर्न नहीं आएगा अभी ये जो अपना है हिप हॉप गोल्डन हिप हॉप ये रिटर्न नहीं आएगा ठीक है ब्लैक टी शर्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट यार आप लोगों को पता होगा ब्लैक टी शर्ट के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो डाली थी वो कब आया था कैसे मिल रहा था लोगों को इस वीडियो पे मेरे बहुत सारे व्यूज़ गए थे ऑलमोस्ट फोर लैक्स से भी ज़्यादा व्यूज़ गए थे तो इससे मैं मेरे को बहुत ज़्यादा वो मिला था सब्सक्राइबर बेस मिल गया था बहुत ज़्यादा लोग मेरे को जानने लगे थे ब्लैक टी शर्ट को लेकर ठीक है मतलब ब्लैक टी शर्ट को भाई मैं इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ मतलब स्टिल माई फेवरेट ब्लैक टी शर्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट टी शर्ट ये एंड यहाँ पे कई सारी जर्सीज भी है येलो जर्सी रेड जर्सी वगैरह कई सारे यहाँ पे रिसेंट के जो नए नए बंडल्स आते हैं इवेंट्स में या बड़े बड़े कोई फेडेड वील या इंक्वेटर्स वगैरह में ये सब बढ़िया बढ़िया इवेंट्स में आ रहे हैं कुछ बंडल्स अच्छे हैं मैक्सिमम वैसे बेकार ही लगते हैं पुराने बंडल्स की तो मतलब कंपेरिजन में बेकार ही है ठीक है पुराने वाले बहुत ओपी थे एंड यहाँ पे और भी कई सारे टी शर्ट्स वगैरह आप लोग देख दिशो तो ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए हैं एंड सीजन नाइन दिखा दिया फो सीजन फोर का गोल्डन इलीट दिखा दिया बी के कई सारे टी शर्ट्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इवेंट के टी शर्ट्स हैं एंड यहाँ पे इलीट पासिस के टी शर्ट्स वगैरह यहाँ पे ये भी है फैंटम सामूराय है जो कि अपने फेडेड व्हील्स हैं एंड ये ये भी बहुत ओपी लग रहा है यार ये गोल्डन इलीट तो नहीं है बट वो ओपी लग रहा है टी शर्ट जो भी है भाई बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे कई सारे टी शर्ट्स हैं मल्टीपल टी शर्ट्स हैं मल्टीपल ऑप्शन है जो मन करे वो इक्विप करके जाओ बट गोल्डन इलिट ऑफ सीजन टू तो इक्विप करके जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वैल्यू है उसकी यार अभी भी एंड यहाँ पे पेड़ पौधे वाला अगेन आ गया भाई सीजन सेवन अगेन आ गया यहाँ पे रैंक सीजन की कुछ टी शर्ट्स वगैरह बाकी और भी कई सारे टी शर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एक से बढ़कर एक टी शर्ट्स हैं इसमें टोटल सिक्स हंड्रेड प्लस टी शर्ट्स है पैंट्स में भी यहाँ पे कई सारे पैंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है टी शर्ट से आपको पता लग गया होगा कौन कौन से पैंट्स हैं इस साइडी में एक से बढ़कर एक पैंट्स है तो चलो हम लोग ये वाला पैंट इक्व कर लेते जो कि

क्रिमिनल वाले रो रहे होंगे भाई रो रहे थे भाई मेरे भी फ्रेंड लिस्ट में कई सारे ग्रीन क्रिमिनल्स थे इनफेक्ट मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऑल क्रिमिनल था जैक करके जैक वो अगर जैक तू तो ये वीडियो देख रहा है तो भाई यार रो रहा होगा भाई तू तो। तेरी आईडी की कितनी ज्यादा वैल्यू थी मतलब हम दोनों एक दूसरे से आईडी एक्सचेंज भी कर रहे थे एक टाइम पे बट मेरे को पता था भाई ये सब रिटर्न आएगा वैसे मेरे आइटम्स भी रिटर्न आ गए बट मेरे पे गोल्डनस मिले मेरे को गोल्डन इलेट सीजन टू के तो आई हैव स्टिल रेयर आइटम्स इन माई आई बट यार उसका विचारेगा क्या हाल हुआ हुआ यार उससे बातचीत नहीं हुई मेरी कई टाइम से देखता हूँ उसका नंबर पड़ा हुआ तो इस वीडियो के बाद मैं उसे कॉल करके बोलता हूँ भाई क्या हाल है तेरे ठीक है तो चलो यार अभी देखते हैं फिलहाल हम लोग अपना कलेक्शन मनी है इसका बंडल ये अभी तक शायद रिटर्न नहीं आया हुआ है ये गोल्डन इलिट तो नहीं है ये नॉर्मल वाला है रॉयल सेरेमनी सीजन फोर का एंड और भी कई सारे यहाँ पे बंडल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे गोल्डन इलिट ऑफ ये डाल लेते हैं एंड यहाँ पे हेयर्स में डालेंगे सीजन सेवन के ये वाला जो कैप है अभी डायरेक्ट चलते हैं कुछ बंडल्स जो ओपन नहीं है वो भी आप लोग देख लो नॉर्मल है ये सारी चीजें अभी तो सीधा चलते हैं यहाँ पे इमोट्स में इमोट्स में है टोटल 78 एट इमोट्स एंड ए के मैक्स है एंड और भी कई सारे रेयर इमोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे पुशअप इमोट हो गया एंड जो के रेयर रेयर इमोट्स आए हुए हैं रेयर रेयर इमोट सॉरी वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे एक से बढ़कर एक इमोट्स है यहाँ पे देख सकते हो डांस करने वाला हो गया भाई क्या क्या इमोट्स दे दिया यार ये देखो ये क्या है कुछ भी बना दिया भाई ठीक है लेकिन जो भी है एक से बढ़कर एक है मतलब रिसेंट के जो नए प्लेयर्स है गेम के उनके लिए ठीक है उनको अच्छा लग रहा होगा एंड कई सारे एनिमेशन यहाँ पे थ्री एनिमेशन है कलेक्शन वाले सेक्शन में 154 फिफ्टी फोर बैकपैक है सीजन वन का बैकपैक इंडियन सर्वर में सबसे रेयर बैकपैक हुआ करता था भाई एक टाइम पे मतलब इसके लिए बंदे क्या नहीं कर सकते भाई इतना ज़्यादा रेयर बैकपैक एंड और भी कई सारे रेयर बैकपैक यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे आपके सबीर भाई वाला बैकपैक एस के साबिर भाई एक टाइम पर भाई <laughs> छोड़ो यार मैं ना मैं मेरे को कई सारी चीज़ें बताने के लिए एक दिन पर्टिकुलर वीडियो में बता ही दूंगा यार कि भाई ऐसा ऐसा हुआ करता था फ्री फायर अब ऐसा हो गया फ्री फायर वैसे इस वीडियो में भी मैं बहुत कुछ बता ही रहा हूँ एंड और भी कई सारे यहाँ पे सीजन टू के इलीट पास का बैकपेक है ये और भी कई सारे रेयर बैकपैक वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे इस साइडी में टोटल वन है तो कई सारे ऑप्शन है जो मन करे आप वो य्यूब कर सकते हो पहले इसको मैं अनक्यूब कर देता हूँ शो इन लोबी शोइन मैच नहीं भाई कुछ मत करो यार शो इन लोबी भी मत करो शोइन मैच भी मत करो एंड यहाँ पे बात करें लूट बॉक्सेस की तो भाई लिमिटेड एडिशन वाला एक लूट बॉक्स है ये टील कार लूट बॉक्स पता नहीं ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा शायद से और भी कई सारे यहाँ पे लूट बॉक्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे पैराशूट्स पैराशूट्स तो ये रहे नाइन्टी नाइन पैराशूट्स हैं मल्टीपल ऑप्शन जो मन करे वो यूज़ करो और कुछ जाओ यार जहाज से ठीक है एंड यहाँ पे सर्फ बोर्ड में है टोटल वन सेवनटी वन फोर्टी सेवन सॉरी वन फोर्टी सेवन सर्फ बोर्ड एक से बढ़कर एक आपको देखने को मिल जाएंगे ये देख लो भाई याद है सबसे ज़्यादा रेयर याद है ना मेरी दो साल पुरानी वीडियो यार याद करो कोई पुराना सब्सक्राइबर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो दो साल पुरानी वीडियो मेरी यार वो चैनल डिलीट हो गया यार चलो उस चैनल डिलीट के ऊपर बात करते हैं वाई माई चैनल गो डिलीटेड यार मतलब मेरा चैनल डिलीट कैसे हो गया ठीक है इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ा रही है बट कोई दिक्कत नहीं आप लोग सुनो ध्यान से देखो अगर किसी पर्टिकुलर कंटेंट पर बैकग्राउंड में मैं कलेक्शन भी दिखाई रहा हूँ अगर किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे कई सारी वीडियोज़ बन रही है एंड उन वीडियो पे रिपोर्ट्स बज रही है बिकॉज वो छोटे छोटे लोग जो छोटे छोटे लोग हम लोगों से इंस्पायर होके आप लोगों को पता है कुछ ही यूट्यूबर्स से बड़े यूट्यूबर जो आईडी सेलिंग करते थे जेनवन वे में उनसे इंस्पायर होके वो लोग आईडी सेलिंग करते हैं उन लोगों का स्कैम करते हैं और वो लोग उन लोगों से स्कैम होने के बाद सभी चैनल्स पे रिपोर्ट करते हैं तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली यार आपको पता है एल्गोरिथम्स के थ्रू या जिस भी वे में उनको पता लग जाता है कि यार इस पर्टिकुलर कंटेंट पे बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स बज रहे हैं एंड जिस पर्टिकुलर कंटेंट पे बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स बज रहे हैं उसके जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो जो उस कंटेंट को बड़े बड़े चैनल्स डाल डाले जिनके सब्सक्राइबर लाखों में है मेरे भी सब्सक्राइबर टू लैक प्लस थे टू लैख सेवेंटीन अराउंड इतने थे तो उन चैनल की कंटेंट को देखती है कि भाई ये बंदा वही डाल रहा है इस पर भी रिपोर्ट्स बजी हुई है या फिर उस कंटेंट पे इस रिपोर्ट बजी हुई है आपको पता है यार अगर किसी बंदे का स्कैम होता है वो सभी आईडी सेलर्स को तो रिपोर्ट मारेगा ही तो इसी रीजन से मेरे चैनल पे ही नहीं मेरे कई सारे जो भी दोस्त हैं वैसे तो आई डी सील्स मेरे कम ही दोस्त हैं बट जो भी जेनवन तरीके से भी करते हैं उन सबके चैनल्स पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स आई एंड चैनल डिलीट हो गया इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि भाई तो स्कैम करता था इसीलिए तेरा चैनल उड़ गया ऐसा नहीं है मेरे भाइयों एक पर्टिकुलर कंटेंट पर ही इतने रिपोर्ट्स बज रहे थे यूट्यूब ने देखा यार ये या डी सेलिंग की इतने लोगों ने वीडियोज डाल रखे हैं उन पर इतने रिपोर्ट्स बज रहे हैं लोग स्कैम कर रहे होंगे शायद से मतलब अगर आप लोग टेक्निकली वे में देखोगे तो वैसे ही होगा और फिर उन चैनल्स को उड़ाया मेन चैनल्स को अगर अभी भी आप फ्री फायर आई डी सेलिंग यूट्यूब पर सर्च करते हो तो बहुत सारे वीडियोज देखने मिलेंगे छोटे छोटे चिंदी चिंदी बहुत वीडियो डेली है। डालते हैं बंदे लोगों को स्कैम करने के लिए बच्चे हैं यार वो लोग खुद ही पता नहीं क्या माइंड सेट है उन लोगों का हम लोगों से इंस्पायर होकर यार और भी लोगों से इंस्पायर होकर वो लोग डालते हैं एंड उन पर जब वो स्कैम करते रिपोर्ट्स बचते हैं तो भाई वो मेजर वे में आ जाता है ना एक बहुत सारे रिपोर्ट्स तब भाई यूट्यूब ज़रूर वहाँ पे एक्शन लेता है और उसी रीज़न से मेरा चैनल डिलीट हुआ है एंड और, और भी दोस्तों का मेरे चैनल डिलीट हुआ है जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो यही रीज़न था यार तो इसीलिए पोक करने से पहले थोड़ा देख लिया करो भाई ऐसा कुछ नहीं है पहले भी कम्युनिटी पड़ी थी भटवाई भी है कह के बात करके जैसे भी करके बट जब ज़्यादा हद हो जाती है ये हमारी गलती नहीं है यार ये छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों की वजह से यार हमारे बड़े यूट्यूबर्स का चैनल डिलीट हो गया जो इस फील्ड में थे ठीक है बट स्टिल वी आर डूइंग अवर बेस्ट मैं अपना यार बहुत अच्छे से लॉयल्टी से काम करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर लेना बाकी ये ये चैनल है ये अपना इस पर भी मैं कंटिन्यू करता हूँ एंड आप लोग बोलते हैं मेरे को कई सारे लोग कमेंट्स में भाई यार तुम इतना रेगुलर नहीं हो यार तुम वीडियोज़ वगैरह डालते नहीं हो भाई जब आपका मेन चैनल अपने इतनी मेहनत करके नॉट अ शॉर्ट वीडियो क्रिएटर ओके शॉर्ट वीडियो डाल के भाई आजकल मेरे पास खुद चार चार लाख पाँच पाँच लाख मिलियन मिलियन के सब्सक्राइबर वाले चैनल आ रखे हैं सेल पे आपको चाहिए होगी मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम पे मैं दिलवा दूंगा ठीक है बट गाइज देखो अगर आप लोगों ने लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट डाल के एक एक घंटे की वीडियो पे एक एक लाख व्यूज लेके आया हूँ मैं मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है ठीक है इतने मतलब शॉर्ट वीडियो डालता ही नहीं था भाई मैं मेरे को भी पता था शॉर्ट वीडियो डालूंगा तो मेरे भी सब्सक्राइबर गेन होंगे खर्चा खर्च सब्सक्राइबर तो आ जाएंगे बट भाई देखिएगा कौन आप लोग जानते हो शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स का क्या सीन है एक बार ही लॉन्ग वीडियो डालो देखो क्या होता है कुछ लोगों ने दस दस मिलियन भी कर लिए हैं भाई नहीं जानता भाई कोई उनको ठीक है तो भाई लॉन्ग वीडियोस डाल डाल के मैंने दो लाख सब्सक्राइबर गेन किया और उस टाइम पे आपका चैनल डिलीट हो जाना एक बार नहीं मेरा दो बार हुआ है ठीक है एक बार वापस भी लेके आया था मैं तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको मन ही नहीं करता वीडियो डालो यूट्यूब पर इतनी मेहनत फिर से करो क्या पता फिर से उठ जाए इसीलिए मैं बहुत कम वीडियोज डालता हूँ एंड उनमें से एक ये भी वीडियो है ये थोड़ी बड़ी वीडियो है इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने आई होप आप लोग समझ के होंगे यार किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे ज़्यादा रिपोर्ट्स बजते हैं तो भाई जिसके जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं उनके चैनल्स डाउन हो जाते हैं टेक डाउन हो जाते हैं ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स ठीक है ये है मेन रीज़न ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर बंदे ने मेरे चैनल पर बहुत सारे रिपोर्ट्स बजे वैसे भी यार एक और एक और रीज़न हो सकता है रिपोर्ट्स बजिए मेरे चैनल्स पर अगर ऐसा भी रीज़न हो सकता है भाई इतने फेक अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पर आप लोग उनसे बात करते हुए कई लोगों का स्कैम हुआ है उन लोगों से वो जो फेक लोग हैं ठीक है मैं कितनी बार अवेयर करता हूँ अपनी स्टोरीज़ के थ्रू ठीक है आप लोग बैकग्राउंड में कलेक्शन भी देखो मैं टॉपिक से तो टॉपिक में मैं ज़्यादा ही घुस गया तो मैं कलेक्शन नहीं दिखा रहा था तो इसी रीज़न से ज़्यादा इसी रीज़न से ज़्यादा रिपोर्ट्स बजी लोगों ने किसी और से ही स्कैम करवा लिया और यहाँ मेरे पे आ, मेरे जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है क्योंकि मॉडर्न वाई सर्च करो तो मेरा ही नेम आता था सबसे पहले ऊपर ठीक है तो वहाँ पे भी रिपोर्ट्स मार देते थे डायरेक्ट तो फिर बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं यार मेन रीज़न तो मैंने आप लोग को बता ही दिया ठीक है बाकी कुछ छुपाने वाली बातें नहीं है आपसे जो है वो सच है सब मैंने बताया आपको आई होप आप लोग समझ गए होंगे एंड पोप मत करो आगे से जो भी हेटर लोग तो चलो करेंगे उसका कोई दिक्कत नहीं है बाकी चलो गई सब लोग सीधा चलते हैं यार बहुत हो गया बहुत सैड बातें भी होगी बहुत अच्छी बातें भी करी हमने वीडियो में बहुत बड़ी वीडियो है ये वाली अभी डायरेक्ट चलते हैं साइड के वेपन्स में एंड गन कलेक्शन में एम फोर एवं देखे तो यहाँ टोटल थर्टीन है ये वन ऑफ द मोस्ट यूजड एम फोर ए वन है मैक्सिमम प्लेयर इसको यूज करते हैं फ्री में मिला था आई थिंक ये एंड यहाँ पे ए के बिल्कुल मैक्स है यूनिकॉन ए के भी है भाई इंक्वेटर की टॉप बहुत ओपी है भाई ये यूनिकॉन ए के आप लोगों को पता होगा पुराने प्लेयर्स को स्पेशली पता होगा एंड यहाँ पे ड्रैगन ए के भी है उन सबसे भी पुराने प्लेयर्स को पता होगा इसकी वैल्यू ये कितनी ओपी है भाई क्रेट से निकालते थे हम लोग एंड यहाँ पे एम फोर्टीन में बात करें तो एम फोरटीन में है अपनी ये लाइवली वीस्ट वाली एम फोरटीन जो कि डबल रेट ऑफ आयर के साथ है स्कार में टाइटन स्कार है बहुत ओपी है भाई टाइटन स्कार स्कार भी है यहाँ पे दोनों के एट्रीब्यूट्स बिल्कुल सेम है बस यहाँ पे मैगजीन लेस है एंड इसमें रेंज लेस है ठीक है कुपिड्स का यूज करो या फिर टाइटन जो भी है टाइटन कर लो ज्यादा बढ़िया लगेगा एंड ग्रोजा में बात कर तो यहाँ पे ग्रोजा में टोटल फाइव स्किन है यहाँ पे डबल रेट ऑफ फायर भी मिल जाएगा डबल आर्मन पैंट्रेशन भी है एंड और भी कई सारी चीजें हैं फार्मस में कई सारे फार्मस है रेयर रेयर फार्मस है यहाँ पे डबल एक्यूरेसी के साथ एंड यहाँ पे बात करें एक्स एम एट में ईवो है लेवल टू पे ग्रीन वाली भी एक्सीमेंट बाकी एक और एक्सीमेंट ये रही भाई डबल रेट ऑफ फायर मैक्सिमम प्लेयर इसको बहुत पुराने टाइम पे यूज़ किया करते थे ज्ञान भाई की स्ट्रीम में मैं देखता था एंड और भी कई सारे ए एन नाइनटी फोर में बात करें तो यहाँ पे है एक स्पीकी स्पाइन वाली स्किन जो कि अपनी ये वाली बहुत ओपी है ये एंड ये भी बहुत ओ है भाई डबल डैमेज वाली कई सारी बढ़िया बढ़िया स्किन्स है यार ये यार 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 पुराने स्किन है को देख के याद आ रहा है मैंने कब कब यूज करी है या फिर किन यूट्यूबर्स के स्ट्रीम में देखा है मैंने इनको प्लाज्मा में बात कर तो प्लाज्मा में भी कई सारे स्किन्स वगैरह है फर्स्ट प्लाज्मा की स्किन इसमें नहीं है वो गोल्डन थी एंड यहाँ पे ऑग में है एक साइबर बाउंटी हंटर बहुत ओपी है ऑग की स्किन डबल रेट ऑफ फायर के साथ पैराफल में भी कई सारे स्किन्स है यहाँ पे किंग फिशर भी है जी थर्टी सिक्स ये नए वेपन्स आए और आ रखे हैं एसके एस में टोटल टेन स्किन है डबल रेट ऑफ फायर देखने को मिल जाएगा एंड डबल मैगजीन भी है डबल डैमेज नहीं है क्या डबल रेट ऑफ़ फायर डबल डैमेज नहीं ओके okay. एस यानी कि ड्रैगनव में आपको कई सारे स्किन्स देखने को मिल जाएंगे वुड पैकर में भी बढ़िया सा स्किन है यहाँ पे नेक्रोमेंसर वाली एंड और भी कई सारे स्किन है ए भी है एंड मशीन गन्स में बात करें तो मशीन गन्स में बहुत ओपी ओपी स्किन है डबल रेट ऑफ़ फायर एट्रीब्यूट्स है बाकी सब कलर है ऑलमोस्ट इसमें भी छोटा सा एट्रीब्यूट्स है सिंगल रेट ऑफ फायर एम सिक्सटी में ओवरसीज वाली स्किन है भाई स्प्रिटेड ओवरसीज बहुत ओपी स्किन है डबल एर वन के साथ एंड और भी कई सारे स्किन है कॉड में यहाँ पे आपको दो स्किन मिल जाएंगे जिसमें से ये परमानेंट है एंड शव मसीन गन में भाई यूएम है लेवल फोर पे ईवो वाली एंड और भी कई सारे स्किन्स वगैरह एम फाइव में ये है दिवाली वाले स्किन द नट क्रैकर बहुत टाइम पहले आई थी ऑलमोस्ट थ्री इयर्स हो गए हैं इसको एंड वी में भी कई सारे स्किन ये आई थी अपनी फोर हंड्रेड के टॉपअप इवेंट में रैपर अंडरवर्ल्ड वाली भाई एक टाइम था जो भी टॉप इवेंट आता था ना रात को ही कर लेते थे हम लोग रात रात को गेम में बैठे रहते थे यार मेरे को रोना आ रहा है सच बता रहा हूँ मैं हंस रहा हूँ या मैं रो रहा हूँ मुझे नहीं पता मेरा जो अंदर से दिल बोल रहा है ना भाई यार वो क्या दिन थे यार अलग था यार वो बहुत ओपी था यार आई एम रियली लिटरली यार सच में मैं इमोशनल हो रहा हूँ ठीक है मतलब यार हम लोग रात रात को गेम खेलते थे मतलब कितना सही था यार वो दिन ना मतलब वो टाइम गेमर्स के लिए हमारे लिए रात रात को गेम खेलते थे भाई अब नहीं खेलता रात को गेम यार नहीं खेलता पूरा दिन चार्ज में लगा के गेम खेलता था रेडमी नोट फोर था मेरे पास मुझे याद है अब आईफोन भी है ना फिर भी नहीं खेलता गेम ठीक है उस टाइम डिवाइस नहीं था तो गेम खेलने का बड़ा मन होता था अब डिवाइस है तो बिल्कुल मन नहीं होता गेम खेलने का यार जब तक जो चीज़ें हमारे पास होती है ना तब तक हम उसकी कदर नहीं करते यार जब चली जाती है जब नहीं होती है ना तभी हम उसकी वैल्यू समझ आती है बट कोई नहीं यार चलो छोड़ो यार वैसे बहुत खेला है गेम मैंने मुझे पता है मेरी स्क्वाड के साथ खेला है लोगों के साथ खेला है सब्सक्राइबर्स के साथ खेला है यूट्यूबर्स के साथ खेला है सबके साथ खेला यार बहुत अच्छा लगा गेम गेम बहुत अच्छा है अपना यार कभी वापस ना जाए इंडिया से मतलब परमानेंट कभी बैन ना हो जैसा भी रहे खेल पाए यार एक बारी पुरानी स्क्वाड कभी ना कभी तो मिलेंगे यार ठीक है कभी ना कभी साथ में खेलेंगे वही पुरानी मेमोरीज आएगी इमोशनल हो जाएंगे खुश हो जाएंगे पुरानी बातों को याद करके भाई फ्री फायर इज़ एवरी थिंग फॉर अस यार मेरे मैं सच बता रहा हूँ भाई मैंने फ्री फायर से बहुत कुछ हासिल किया एवरी थिंग आई हैव फ्रॉम फ्री फायर ठीक है जो भी चीज़ें मेरे पास है ना अभी मैंने जो खुद से कमाई हैं खुद से लिए सब मेरे को फ्री फायर नहीं दिया है उसके अलावा किसी ने नहीं दिया यार देखो यहाँ पे चलो यार हम लोग ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे हम लोग वेपन्स में एंड एम बी फोर्टी में पोकर एम बी फोर्टी है बहुत ओपी है यहाँ पे कोबरा लेवल फोर पे है एंड और भी कई सारी चीज़ें हैं पी नाइनटी में है लेवल लेवल नहीं सॉरी ये ग्रीन वाली ठीक है एंड और भी कई सारे यहाँ पे वैक्टर की बढ़िया वाली स्किन है मैकटेन भी है एंड वीजोन भी ऑलमोस्ट जितने भी गन्स हैं उन सबके स्किन्स हैं इस साइडी में शॉर्ट गन्स की बात करें तो शॉर्ट गन में एम टेन फोर्टीन में है ग्रीन वाली ये भी है अपनी ड्राको फ्लेम ड्राको जो कि है लेवल थ्री पे एंड यहाँ पे इस पास ट्वेल्व में टोटल टेन स्किन है ट्रॉपिकल पैरेट है इस साइडी में मतलब डबल बैरल में ट्रॉपिकल पैरट जो फर्स्ट गन स्किन ऑफ डबल बैरल है या फिर जो भी है एम डब एम दब, बहुत ओ पी स्किन आ रही है, है मेरे कोई याद है बहुत पैसे लगा के इसको निकाला था फर्स्ट टाइम जब आई थी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वेब इवेंट में आई थी आई थिंक ये कॉस्टली बहुत बड़ी थी एंड और भी कई सारे स्किन है उसके बाद कई बार रिटर्न भी आ गई मतलब अच्छा नहीं हुआ रिटर्न दे दिया इन्होंने स्नाइपर्स में कई सारे स्नाइपर्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे शॉर्ट गन जैसे दिखने वाली स्नाइपर है इस साइडी में गई जिसमें है डबल डैमेज ठीक है ये बात मैंने कितनी बार बोली है यार मेरे को याद है मेरी पुरानी वीडियो में मैंने कई बार बोली है शॉर्ट गज जैसे दिखने वाली स्नाइपर इसीलिए मैं इसको इसी वे में बोल रहा हूँ एंड यहाँ पे और भी कई सारे स्नाइपर्स के स्किन्स है पिस्टल्स में कई सारे पिस्टल्स देखने को मिल जाएंगे मिली में यहाँ पे फोर हंड्रेड के एंड वाला ये है मिली गोल्डन पेन एंड वाटर मिलन वाला भी है कई साइड में वाटर मिलन वाला नहीं है बाकी और भी कई सारे है पारंग में कई सारे पारंग्स देखने को मिल जाएंगे बैट में है ये बैट का स्किन बैट के स्किन से याद आएगा इस आप लोग मेरा एक ब्लॉग देख लेना ठीक है मैंने अपने ब्लॉगिंग वाले चैनल पर डाल दिया अनफिल्टर्ड आशू पे आई पी एल देखने गया था मैं ठीक है आर सी बी वर्स किंग्स इलेवन पंजाब या फिर पंजाब किंग्स ठीक है आर सी बी जीत गई थी भाई चौबीस रनों से या सत्ताईस रनों से पता नहीं कितना जाके देख लेना अगर आप लोगों ने देखना है ठीक है आप लोगों को कुछ नॉलेज भी मिल जाएगी उसमें बाकी यहाँ पे कटानाज में कई सारे कटानाज देखने को मिल जाएंगे साइथ की भी यहाँ पे कई सारे स्किन है फीसट में है चार फीस्ट की स्किन फीसट बम्प हो गया फीस्ट कोबरा फीस्ट हो गया माइटी फीस्ट हो गया तो यार प्लीज़ लाइक करो वीडियो को माइटी फीस्ट के लिए ठीक है माइटी अपने चैनल का नेम भी है एंड यहाँ पे हेल्सटन फीस्ट भी है अदर्स में अदर्स में नहीं सॉरी यहाँ पे ग्रेनेट्स ग्लूवल्स में फोर्टी फाइव ग्रैनेट्स है बहुत सारे ग्रैनेट्स ग्लूवल्स में टोटल 22 है कोई रेयर ग्लूवल की बात करें तो ये है एक प्री ऑर्डर का बंकर वाला प्री ऑर्डर में आया था ये पता नहीं है क्या है यार बट प्री ऑर्डर में दे दिया था बहुत पहले की बात है बाकी और भी कई सारे यहाँ पे ग्लूवल्स के स्किन है अदर्स में बात करें तो नॉर्मल एम का एक बढ़िया सा स्किन है यार नॉर्मल नहीं है ये डबल रिलोट स्पीड है इसमें रिलोट स्पीड क्या यार अगर रेंज देते दे तो ज़्यादा बढ़िया रहता एंड यहाँ पे बाकी ये सब स्किन्स है सो फाइनली गाइज मैंने आपको इस आईडी का सारा का सारा कलेक्शन दिखा दिया ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई एंड वीडियो में रिडीम कोड्स भी आपको देखने को नहीं मिले हैं तो अभी मिल जाएंगे ठीक है एंड तक वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड एंड बहुत सारी बात करी बहुत पुरानी बातें करी अपने चैनल डिलीट होने के ऊपर भी मैंने बताया क्यों हुआ क्या रीज़न था ठीक है सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर करी बहुत टाइम की बातें थी जो मेरे दिल में थी वो सारी मैंने इसमें कह दी है बाकी यार प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा है तो शेयर करो लाइक कर दो चैनल पर नए थे तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना बाकी मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में आई लव यू ऑल गाइज जय हिंद गाइज़ आई लव यू ऑल यार बाय